हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोगों को इसमें शेयर करेंगे। सबको तो अलग अलग कर दिया था, जिसका जिसका जो टोकरी था सब दे दिया और सबको इकट्ठा कर दिया। जो ब्रीड पे मेरे पहले से ही थे, बड़े बड़े फिंच जो एग्स देते थे उनमें से बच्चे आते थे, वो सारे इसी में मैंने इकट्ठा कर दिया। और बच्चों को अलग से मैंने दूसरे में इकट्ठा कर दिया, सबको रेस्ट पर डाल दिया। पर इसका टोकरी मैंने अभी तक हटाया नहीं, क्योंकि टोकरी ठंड में ठंड लग जाती है, तो टोकरी दे दिया। टोकरी के अंदर जो एग्स थे वो भी मैंने अभी तक नहीं हटाया। और सब सारे एग्स 15 से लेके 25 दिन तक हो गया, किसी में भी अभी तक बच्चे नहीं आए। तो इसका मतलब ये ठंड में एग्स हैच नहीं कर पा रहे ये लोग। तो आज ये अंडे चेक करेंगे, आपके सामने ही चेक करेंगे, और सारे एग्स फेंक देंगे। जिसमें ब्लड आएगा उसको रख देंगे, जिसमें ब्लड नहीं मिलेगा वो सारे एग्स मैं फेंक दूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। किसके पास कितने एग्स है पहले देखते हैं। एक एक करके सारे टोकरी में से एग्स निकालेंगे। पहले नीचे से शुरू करेंगे, उधर जो मटकी दिख रहा है पहले वो, फिर ब्लैक वाला टोकरी, फिर ऑरेंज और रेड वाली टोकरी, फिर इस साइड से नीचे येलो वाला टोकरी, फिर ऑरेंज और रेड वाली टोकरी, फिर ब्लैक वाली टोकरी। 6 पेयर है, 6 टोकरी है, हंडी टोकरी मिला करके जो भी है, एक एक करके चेक करेंगे। तो वीडियो में बने रहें और देखते रहें वीडियो को। चलिए तो अभी ये बैठे हुए हैं, अभी इसी को मैं उठाऊंगी, कितने में ब्लड आया कितने में नहीं आया वो चेक कर लेंगे हम लोग इसी में से ही। मुझे लग रहा है क्योंकि ये लोग अंडे भी फेंका फेंकी कर रहे हैं, मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि ये लोग हैच तो करने नहीं देता, एक दूसरे के अंडे फोड़ा फोड़ी करते रहते हैं। तो मैं भी नहीं चाहती कि अब इसमें से बच्चे निकले। मैंने पहले ही बोला मैं कुछ दिन में आउट ऑफ दिल्ली रहूँगी, तो इसका देखभाल करना मुश्किल हो जाएगा, मैं किसी के पास छोड़ के जाऊँगी सबको। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। जला लिया दूसरा फ़ोन की मोबाइल पे, और ये है एक्स, 5 एक्स है। अब आप लोगों को चेक करके मैं दिखाऊँगी। देखिए शायद आप लोग जूम करके दिखाते हैं, देखिए कैसे रेड पन दिख रहा है, देखिए दिख रहा है, इसका मतलब इसमें बच्चे है, पूरा रेट है। देखिए ठीक से देखिए, पता नहीं मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ या नहीं। देखिए कैसे रेट दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना। अगर ख़राब होता ये ब्लैक हो जाता तो इसमें बेबी है। ये अगर हम रखेंगे तो ये दिखेगा। मैं रुकिए मैं लाइट ऑफ करके आप लोगों को दिखाती हूँ, अब आपको सही से दिखेगा। देखिए मैं आप दिखाती हूँ आप लोगों को, शायद दिखे। देखिए देखिए कैसे रेड दिख रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब मैं लाइट को ऑफ कर दिया, अब दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए कैसे रेड दिख रहा है। देखिए पूरा रेड दिख रहा है ये, इसका मतलब इसमें बच्चे होंगे, ठीक है ना। अगर खराब होगा, जो अंडा खराब होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी ये अंडा खराब है। देखिए इसमें देखिए हल्का हल्का आपको वो सिरा भी दिख रहा है, जो अंदर का जो बच्चे के अंदर होता है। देखिए गौर से एक ही जगह पे रखो, एक ही जगह पे रखो, देखिए आप लोगों को शायद वो सिरा भी दिख रहा होगा। देखिए देखिए मैं दिखाने की पूरा कोशिश कर रही हूँ। अगर बच्चे पूरे बन जाते ना, वो भी उनका दिल का धड़कन भी दिखता आपको। देखिए जगह जगह पर देखिए मैं घुमा रही हूँ एग्स को। अगर इसको मैं अलग कर दूँगी टोकरी सहित इसके माँ बाप को, तो इनमें से बच्चे आ जाएंगे, 100% बच्चे आएंगे। इन तीनों अंडे में बेबी है। तो देखिए इसमें भी देखिए, लाइट कम ज़्यादा मत करो, ये देखो देखिए देखिए पूरा रेट है एक्स, देख रहे हैं आर पार पूरा रेट है। तो इनमें ये अगर येलो होगा तो ख़राब होगा, ब्लैक होगा तो ख़राब हो जाएगा, येलो होगा तो ताज़ा एक्स होगा। इन पांचों में ही ये ख़राब कर दिया इन्होंने, फोड़ दिया अंडा। ये देखिए अंडा फोड़ दिया, ये बेकार हो गया, इसको मैं फेंक दूंगी। तो चलिए दूसरा मैं हंडी में से निकाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। कोई अगर प्लेन अगर मिल जाए मुझे कोई ऐसा, तो इस एग्स को मैं इसके अंदर ही डाल दूंगी, खराब वाले को फेंक दूंगी, और ये 4 को मैं उसकी टोकरी में दे दूंगी, क्योंकि वो बार बार सेंक रहा है। तो चलिए बच्चे निकाले ना निकाले अपना एग्स लेके बैठा रहेगा, इसीलिए उसको दे दिया मैंने उसका एग्स। और अभी उसकी ऊपर वाली टोकरी में से निकालती हूँ क्या है।
ये और मैंने पहले आपको दिखा देती हूँ सारे टोकरी में, देखिए एक सौ का ये है अभी, पांच का एक खराब था, चार ठीक था, ये भी देखिए सब में दिखा देती हूँ पहले कितने, देखिए इसमें भी चार पांच एक दिख रहा है, और इसमें देखिए एक मिनट मैंने पहले कैमरा को सही कर लेती हूँ सर। तो पहले आप लोगों को सारा मैं दिखा देती हूँ कि इसमें कितने एग्स है, उसके बाद में ये एग्स लेके खाली बैठे रहती हैं। देखिए बहुत सारे एग्स है इसमें, इसमें भी बहुत सारे एग्स है, इसमें नहीं है, इसमें भी चार पांच एग्स है। तो चलिए इसका एग्स लेके देखते हैं, ब्लैक वाले का लेके देखते हैं इसमें कुछ है तो, बहुत सारे एग्स निकलना मुश्किल हो रहा है। पहले मैं एग्स को निकाल लूं, उसके बाद आप लोगों को दिखा रही हूं। मैं एक चम्मच की सहायता से ही निकाला, क्योंकि ऐसे नहीं निकाला जा रहा, ये तो पहले का टूटा हुआ था, अब इसका देखते हैं क्या है। तो मैं सारा एग्स तो चेक करके आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी, मुझे संभव नहीं है, बहुत सारे एग्स हैं। तो मैं इसका अभी दिखा देती हूँ, देखिए इसमें भी रेड पन है, देखिए तो इन सब में बेबीज होंगे अगर रख देंगे तो। देखिए जैसे ये ख़राब है, ये ना कुछ दिख रहा है, ना आगे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गया ये, तो ये ख़राब हो गया, ये देखिए ऊपर से सफ़ेद दिख रहा है अलग टाइप का, देखिए इसमें बिल्कुल रेड दिख रहा है, तो इसमें भी बेबीज हैं। तो मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगी, ये देखिए इसने फोड़ दिया, इसमें ऐसे ही फोड़ दे रहा है, आपस में एक दूसरे के अंदर बैठ बैठ के ये लोग फोड़ देते हैं अंडे, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों के साथ। देखिए इसमें बच्चे बने हुए हैं, और ये भी अंडा फोड़ा फोड़ी किया है, देखिए गौर से देखिए अंडे को फोड़े हुए हैं, देखिए देखिए ये फूट गया, ये ख़राब हो गया, ये अब नहीं होगा। तो इसी तरह से अंडे को चेक किया जाता है, जैसे इसमें देखिए ये बच्चे पूरे बने हुए हैं, देखिए आपको सही से दिख रहा होगा, देखिए पूरा आकार दिख रहा है ना बच्चे का। तो चलिए ये सारे एग्स रख देते हैं, ये सारे एग्स को ऐसे ही चेक करके जिसमें बच्चे होंगे वो उनके पास दे देंगे, और जिसमें बच्चे नहीं होंगे वो हम फेंक देंगे। तो इसी तरह से एग्स को चेक कर ले, मुझे हालांकि बेबीज नहीं चाहिए, फिर भी मैंने दे दिया, क्योंकि इन लोगों को आदत सी पड़ गई है बैठे रहने की एग्स के ऊपर, तो जो अंडों में ब्लड है उन सबको चेक कर करके रख देंगे, जिसमें ब्लड नहीं है उन सबको फेंक देंगे। तो इसी तरह से अंडे को चेक किया जाता है, और सभी में बहुत सारे अंडे हैं, एक एक करके सबको चेक करके दिखाना संभव नहीं है, इसी तरह से अंडे को चेक करें। हालांकि मैंने पहले ही बोला मुझे ना ही बेबीज चाहिए ना ही अभी अंडे चाहिए, अभी इन लोगों को रेस्ट पे डालेंगे, पर ये ब्लड आ गया है इसको उठा के फेंक दूंगी तो वो मन में इन लोगों का कैसे होगा ना कि मैं अंडे कहाँ गया ढूंढता फिरेगा, तो इसी वजह से अभी अंडे को फिलहाल छोड़ देंगे चेक कर करके। यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो में बने रहें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। थैंक यू गाइस।